फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एगलेस ब्राउनी विद टॉफी सॉस। आज इसे हम माइक्रोवेव में बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो इसे हम कैसे बेक करेंगे ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम 3 का सेट हम लेकर आते हैं मार्केट में, उससे सबसे छोटा वाला केक मोल्ड है ये। सबसे पहले हम मोल्ड को ग्रीस कर लेंगे। घी लगाने के बाद इसके अंदर हम बटर पेपर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने से ब्राउनी को डीमोल्ड करने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी, और इसके ऊपर भी दोबारा से हम थोड़ा सा घी फैला देंगे। केक मोल्ड रेडी है, इसे भी हम साइड में रख देंगे। अब मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, इसके ऊपर हम छलनी लगा देंगे। अब इसमें लेंगे हम 1 कप मैदा, 1/2 कप कोकोआ पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी हम कहते हैं, बिल्कुल लेवल कर लें इसे आप, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, इसे भी लेवल कर लें। एक बार इन सबको हम छान लेंगे। छानने के बाद एक बार इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मिला देंगे हम 1/2 कप अखरोट। अखरोट को आप चाकू की हेल्प से इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण को अभी हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे एक दूसरे बाउल में 1 कप दही। दही को एक बार आप मिक्सर में 3 से 4 सेकंड के लिए घुमा लीजिए, जिससे दही का एकदम स्मूथ टेक्सचर बनकर तैयार हो जाएगा। एक कप लेंगे हम पीसी हुई चीनी, इसे भी दही में मिला देंगे हम। एक बार इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज हम बीटर से बीट नहीं करेंगे, विस्कर की हेल्प से हम घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम 1/3 कप मेल्टेड घी। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें धीरे धीरे करके हम मैदा वाला मिश्रण मिलाते जाएंगे और अच्छा सा घोल बनाकर तैयार करेंगे, और घोल में कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। को हम 1 मिनट के लिए फेंटेंगे। ये लम्स नहीं है, ये जो हमने अखरोट ऐड किए हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। घोल की कंसिस्टेंसी एकदम प्रॉपर है, ये दही पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि घोल थोड़ा टाइट है तो 1 से 2 छोटे चम्मच दही आप और ऐड कर सकते हैं। घोल रेडी है, अब हम माइक्रोवेव को प्रीहीट के लिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सेटिंग दी हुई है किड्स एंड डेरी डिलाइट पे। ये 1/2 केजी का जो ब्राउनी है वो बनकर तैयार होगा। 2 और 10 वाले मोड पे इसको मैंने सेट किया है। अब इसे हम स्टार्ट कर देंगे। ओवन प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम बैटर को मोल्ड में सेट कर देते हैं। हल्का सा इसे हम टेप कर देंगे। माइक्रोवेव प्रीहीट हो चुका है, इसके अंदर मैंने लो रेक सेट कर दी थी। एक मोल्ड को इसके अंदर सेट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे और इसे हम बेक होने देंगे। ब्राउनी को हम बाहर निकाल लेते हैं। ब्राउनी को भी हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे हम डीमोल्ड करेंगे। 20-25 मिनट के बाद ब्राउनी थोड़ी ठंडी हो गई है, इसके एक बार हम किनारे हटा लेंगे।
इनको अब हम प्लेट में पलट देंगे। बटर पेपर को हटा देंगे और हम ब्राउनी का ये वाला पोर्शन ही ऊपर रखेंगे। बहुत ही अच्छी ब्राउनी बेक हुई है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। अब ब्राउनी के हम पीस कट कर लेते हैं। अब हम टॉफी सॉस तैयार करते हैं। टॉफी सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून सॉल्टेड बटर लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड बटर लेते हैं तो उसमें 1 पिंच सॉल्ट की ऐड कर लीजिए। और 5 टेबल स्पून लिए मैंने क्रीम, फ्रेश क्रीम है ये। 4 टेबल स्पून पाउडर्ड गुड़, इसे आप छान कर यूज में लें क्योंकि इसमें लम्स रहते हैं जिससे हमारी टॉफी सॉस खराब हो जाएगा, तो इसे एक बार छान कर लीजिए। और साथ ही 3 टेबल स्पून लिए हैं मैंने वॉलनट्स यानी अखरोट, जिनको आप इस तरह से रफली कट कर लीजिए चाकू की हेल्प से। चलिए अब टॉफी सॉस बनाना हम स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक पैन, फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर ही इसके अंदर डालेंगे हम बटर, और बटर को हम मेल्ट होने देंगे। जब इस तरह से बटर मेल्ट हो जाए, इसके अंदर हम डाल देंगे पाउडर्ड गुड़। अच्छे से मिक्स करेंगे। जब गुड़ इस तरह से अच्छे से मेल्ट हो जाए, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम फ्रेश क्रीम। अच्छे से मिक्स करेंगे। क्रीम मिलाने के बाद जब इस तरह से आपको लगे कि ये बॉईल होने लग गया है, तुरंत ही आप फ्लेम ऑफ कर दें। और साथ ही इसमें मिला देंगे हम वॉलनट्स। टॉफी सॉस रेडी है। गर्मा गर्म टॉफी सॉस को हम ब्राउनीज के ऊपर पोर कर देंगे। फ्रेंड्स, एगलेस ब्राउनी विद टॉफी सॉस बनकर तैयार है। दिखने में ये जितनी सुंदर लग रही हैं, खाने में उतनी ही टेस्टी होती हैं। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना है, माइक्रोवेव में सबकी सेटिंग अलग अलग होती हैं। तो ये मैंने आपको 0.5 केजी के हिसाब से बताया है, तो उसी हिसाब से आप बेक कीजिए। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसे गैस तंदूर में भी बेक कर सकते हैं। और कढ़ाई में नमक डालकर, जिस तरह से मैंने केक की और भी रेसिपीज डाल रखी हैं अपने चैनल पर, उसी तरह से आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा एगलेस ब्राउनी विद टॉफी सॉस बनाने का यह तरीका पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।